नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, रुचिका सोमानी के साथ। एसके लाइव के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया पिछले दो सालों से कोरोना से पीछा छुड़ाने का उपाय ढूंढ रही है और हम यही आशा करते हैं कि नए साल में कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने में हम कामयाब हो सके। तो आइए जानते हैं कि आखिर हर साल 1 जनवरी को ही हम नया साल क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आपको जानकारी दे दे, ऐसा नहीं है कि सदियों से नया साल 1 जनवरी को ही मनाया जाता था। 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाने की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 में हुई थी। पहले यह कभी 25 मार्च तो कभी 25 दिसंबर को मनाया जाता था। सबसे पहले रोम के राजा न्यूमा पॉपिल्स ने रोमन कैलेंडर में बदलाव किया और कैलेंडर में जनवरी को पहला महीना बता दिया। बता दें कि इस बदलाव से पहले तक मार्च को पहला महीना माना जाता था। कहते हैं रोमन शासक जूलियस सीजर ने 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की। जूलियस कैलेंडर में 12 महीने के लिए किए गए खगोलवादियों से मुलाकात के बाद जाना कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा लगाती है। इसे ध्यान में रखते हुए जूलियन कैलेंडर में साल के 310 की जगह 365 दिन किया गया। 1 जनवरी 1670 को भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ सर्वप्रथम क्रांति करने वाले वीर गोकुला जाट के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, इसलिए भारत में इस दिन को हिंदू क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1 जनवरी 1977 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री बनी। 1880 में देश में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई और आज ही के दिन 1915 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए वायसराय में केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया। अमेरिका में 1928 में पहला एयर कंडीशनर कार्यालय सेंट एटोनिया में खुला। टेलीविजन पर बहुत सारे विज्ञापन आते थे पर टेलीविजन पर सिगरेट विज्ञापनों का प्रसारण प्रतिबंधित किया गया आज के ही दिन। 1996 में सिंगापुर एशिया में जापान को दूसरा विकसित देश घोषित किया गया। भारत में नए साल के दिन यानी 1 जनवरी 2020 में अंदाजन 70,000 बच्चों ने जन्म लिया, जो कि विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। और अब देखते हैं कि 1 जनवरी को किन किन लोगों का जन्म हुआ था, जिसमें से भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज डोका सिंह आज ही के दिन पैदा हुए, जिन्होंने 1998 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। वह मणिपुर में रहते हैं। ग्वालियर राजघराने के स्वर्गीय माधव राय सिंधिया के पुत्र का आज ही के दिन जन्म हुआ। और तो और, भारतीय हिंदी सिनेमा के ख्वाति प्राप्त हास्य अभिनेता असरानी, जिन्हें सभी जानते हैं, उनका भी जन्म हुआ और उन्हें शोले के जिलर के रूप में सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिसमें उनका प्रसिद्ध डायलॉग, जी हाँ आप जानते ही हैं, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, सबकी जुबान पर रहता है। एक प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी डीएनए खरोदे, जिन्होंने भारत के दुग्ध उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका आज ही के दिन निधन हुआ। 1935 में हेमचंद दास गुप्ता का निधन हुआ, जो कि भारत के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे। तो देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर।